मनीन्द्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल का जन्मदिन उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह से मनीन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जा रहा था। उनके जन्मदिन के दिन ही 1 अक्टूबर 2021 की शाम को उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनके जन्मदिन के अवसर पर केक काटने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, मगर श्याम बिहारी जायसवाल एवं उनके कार्यकर्ता चिरमिरी शहर के गोलाह पानी क्षेत्र पहुँच कर केक काटने जा ही रहे थे, तभी वहां एक युवक धारदार हथियार के साथ, जिसे कुल्हाड़ी बताया जा रहा है, उस हथियार को लेकर वहां विरोध करने लगा। विरोध का कारण ये बताया गया कि गोल्हा पानी क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं है, क्योंकि चोरों द्वारा बिजली के तारों को काटकर चोरी की गई थी। इस पूरी वारदात के संबंध में लोगों से बात करने के बाद ये बात भी सामने आई कि 1 अक्टूबर की रात सोशल मीडिया में वायरल किए गए वीडियो में जिस युवक को हाथ में धारदार हथियार लेकर खड़े देखा जा रहा है, वो वार्ड क्रमांक 9 की कांग्रेस पार्षद पप्पी के भाई परवेज खान है, जिसने बिजली की समस्या को लेकर मनीन्द्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के जन्मदिन के अवसर पर ये कृत्य किया। कल मेरी हत्या भी ये लोग कर सकते थे। इस सुनियोजित योजना के ढंग से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। कल यदि मेरा सुरक्षा अधिकारी और कार्यकर्ता नहीं होते, इन कांग्रेसियों के द्वारा कल मेरी हत्या भी हो सकती थी। इस घटना की प्रशासन जल्द से जल्द जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। यदि नहीं करती है, 1 सप्ताह के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों में उतरेंगे और बंगाल जैसा स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोग चिरमिरी क्षेत्र को नहीं होने देंगे। मनीन्द्रगढ़ विधानसभा उससे सुरक्षित रहेगा। जिस प्रकार से पहले सारे लोग आपसी राजनीतिक वैमनस्यता दूर करके छोड़ करके एक साथ समाज का काम करते थे, हम चाहते हैं कि कांग्रेसियों को भी अपनी मन दशा को चेंज करके हमारे जिस प्रकार से 15 साल के शासन में वो बिल में धुके थे, हम लोगों ने उनको साथ दिया, वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करना बंद करें। यदि ऐसी स्थिति निर्मित करेंगे, इसके परिणाम भयंकर होंगे। और अपने समस्त कांग्रेस नेता से लेकर विधायक प्रतिनिधि एवं समस्त कार्यकर्ताओं के साथ बीती रात चिरमिरी थाने में पहुंचकर रोते बिलखते अपनी बातें रखी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से झूठ बताया जा रहा है एवं समस्त लगाए गए आरोपों को झूठा बताया जा रहा है। आपस में ये लोगों में तनातनी थी और मुझसे व्यवस्था की कमी नहीं है, क्योंकि इनको समझा करके इनको शांत कर दिया गया, तो कहीं से पुलिस व्यवस्था में कमी नहीं है। शांत करके इनको आपस में भिड़ने नहीं दिया गया, बल्कि जो शिकायत करने आए थे शिकायत करके दोनों पक्ष अपन शिकायत करके यहाँ से रवाना कर दिया। थाना अध्यक्ष के कमरे से लाइव होता है, रिकॉर्डिंग होती है, इसके बारे में नहीं, इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। जो लाइव हुआ उसके बाद ही मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है। इसमें कुछ किसी प्रकार का कोई कार्रवाई करेंगे इस संबंध में चर्चा बात कोरिया से कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।